भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने खेल रत्न के लिए 2 और अर्जुन अवार्ड के लिए 3 खिलाड़ियों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं। BCCI ने जिन खिलाड़ियों के नाम खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड के लिए प्रस्तावित किए हैं उनमें एक महिला खिलाड़ी का नाम भी शामिल है, जबकि इसमें 4 पुरुष भारतीय क्रिकेटर्स के नाम शामिल हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए खेल पुरस्कारों के लिए नाम मांगे थे, जिसके जवाब में BCCI ने अपनी तरफ से खेल रत्न के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान मिताली राज और भारतीय टेस्ट टीम के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन को चुना है, जबकि अर्जुन अवार्ड के लिए हाल ही में श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के कप्तान बनाए गए शिखर धवन, ओपनर बल्लेबाज KL राहुल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम को भेजा गया है। आपको बता दें, ये नाम सिर्फ BCCI की तरफ से प्रस्तावित हैं और क्या ये खिलाड़ी इन पुरस्कारों के योग्य हैं, इसका फैसला खेल पुरस्कारों की कमेटी को करना है। ये पुरस्कार 29 नवंबर को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर दिए जाते हैं। हालांकि इससे पहले एक लंबी प्रक्रिया इन पुरस्कारों के लिए चलती है, यही कारण है कि जून के आखिर में ही नामों की सिफारिश की जा रही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये सिर्फ अभी तक 4 क्रिकेटरों को ही मिला है। इसमें सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम शामिल है। अश्विन को ये अवार्ड अगर मिलता है तो वो ये सम्मान पाने वाले 5वें क्रिकेटर बन जाएंगे, और अगर मिताली राज को इस साल ये सम्मान मिलता है तो वो खेल रत्न पाने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर बन जाएंगी।